समर्थ पोर्टल से जुड़े गए 4.22 लाख छात्र हैं। यहाँ तो आपको बता दूं कि यहाँ पर विश्वविद्यालय से कैंपस और संबंध कॉलेजों के 4,22,000 छात्राओं को समर्थ पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में सत्र 2021-22, 22-23 और 23-24 के विद्यार्थियों का डाटा समर्थ पोर्टल पर अपलोड होगा। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर के ट्रेडिशनल एवं प्रोफेशनल कोर्स में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही शामिल होंगे। एक्स और बैक के विद्यार्थियों का डाटा अभी समर्थ पोर्टल पर नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि शासन के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय गुरुवार को दिनभर समर्थ पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया में जुटा रहा। समर्थ पोर्टल पर कुल 46 मॉड्यूलों में से विश्वविद्यालय गुरुवार तक 26 मॉड्यूल को लिंक कर चुका है। 21 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय को सभी मॉड्यूल को लिंक करते हुए प्रक्रिया पूरी करनी है। सीसीएचयू के अनुसार डाटा अपलोड होने के बाद परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके साथ ही छात्र परेशान हो रहे थे जिनका ईमेल और मोबाइल नंबर गलत हो गया था, तो ऐप डाउनलोड करते ही सही होगी ईमेल। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रवेश के वक्त हजारों छात्राओं ने अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर सही दर्ज नहीं किए हैं। प्रस्तावित प्रक्रिया में छात्रों को समर्थ पोर्टल पर ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इसे सक्रिय करते ही छात्रों की ईमेल और मोबाइल नंबर स्वतः समर्थ पोर्टल पर अपडेट हो जाएंगे। ऐसे में छात्रों को अपने मोबाइल और ईमेल सही करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालय इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया जारी करेगा। फिलहाल जो है समर्थ पोर्टल पर सीसीएसयू के 4 लाख से अधिक छात्रों का डाटा अपलोड किया। जल्द ही पोर्टल से भरवाए जाएंगे सभी परीक्षा फॉर्म। 3 सत्र के छात्रों का डाटा हुआ अपलोड। सीसीएसयू से संबंध है 728 कॉलेज। परिसर कॉलेजों में 228 प्रोग्राम के तहत पढ़ाए जा रहे हैं 3200 कोर्स। आपको बता दूं कि सीसीएसयू एनईपी परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय ने रोक दिए थे, अगले सप्ताह से शुरू होने के है आसार। जस्तो 30-31 तक जो है यहाँ पर सभी डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है नवंबर के फर्स्ट वीक से आप लोगों के यहाँ पर परीक्षा फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं कुछ परिणाम। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय ने एमए होम साइंस द्वितीय सेमेस्टर, एमए समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर, बीए बीबीए द्वितीय सेमेस्टर, बीवोक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर, एमए गणित प्रथम सेमेस्टर के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र छात्राएं आज से दोपहर 2 बजे के बाद से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने परिणाम को चेक कर सकते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट कर रहे थे, उनकी सभी प्रॉब्लम जो है इस वीडियो में उनका सोल्यूशन हो चुका है। तो अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन से क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा आदि पर फॉलो कर ले, वहाँ पर भी आप जो है कमेंट करके अपनी क्वेरी को पुटअप कर सकते हैं, हम आपका उत्तर रिप्लाई जरूर करेंगे। उसके साथ साथ जो है अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद।